और बिलीव टाइम हमें देने हैं टीचर अभी पढ़े डिटाई की तरफ से आपको बताएं कि कोई टीचर होता है तो डिटाई की तरफ मैंने यहाँ पे लिखा था छः और एक चार नौ कितने हुए सोलह सोलह के छः बाकी जगह एक तीन बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है तो तीन और एक बाकी का जोड़े लिखा जाएगा चार अंतर आपका आ गया छियालीस और है ये माइनस करना देखिए ये प्लस है ये माइनस है ये बुक है इसलिए तो जैसा ये माइनस करना है यहाँ कितना है पाँच यहाँ कितना है जीरो अगर हम माइनस करते हैं अगर यही चीज ऊपर होता तो सीधा बराबर हासिल करके दस बना देते पर अगर जो भी नीचे है जैसे ये भी आपको मैं बता रही हूँ ये ऐसे है और ये ऐसे है जो नीचे जीरो रहता है उसका मान नहीं रहता अगर ये जीरो ऊपर आ जाएगा तो ये मान हो जाएगा हम मान से लेके दस बना लेंगे पर नीचे है इसका मान नहीं तो हम क्या करेंगे ये तैयार कितना होगा पाँच अब यहाँ क्या है छः माइनस कितना बचाना है कितना था तीन यहाँ पे कितना बचा तीन अब इनको प्लस करना है छः और ये कितना होते हैं सात तो हम लिखेंगे सात हमेशा इधर से ही लिखिए इधर से नहीं जो बीच से लगा इधर से लाइट ऑन आता है इधर से लिखिएगा कितना होगा सात ये चार अंक लिखते हुए छः अंतर कितना आया फिफ्टी सेवन यानी सड़सठ अब इसको देखिए माइनस करना इसको माइनस करना है पहले कितना है छः अभी पता है नीचे जीरो रहता है कि नीचे जीरो का मान नहीं रहता है तो ये छः है छः नीचे जीरो जाएगा तो कितना बचेगा छः आठ है आठ में से तीन अगर हम माइनस करें तो आठ में से तीन माइनस करेंगे कितना जाएगा हाँ अंतर कितना आया छप्पन फिर से बता रही हूँ कि जब नीचे इसको हम लिखेंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो नीचे जीरो आएगा नीचे जीरो आएगा तो ये दस का मान नहीं किया जाता कोई मान नहीं अगर ये जीरो ऊपर आ गया और हम ऐसे करें तो इसको हम मानती लेके क्या कर सकते हैं दस बना सकते हैं तो ये दस हो जाए और नीचे जीरो है इसमें कोई मान नहीं है तो ये आपका सवाल हो गया ये आ गया छप्पन अब आपको मैं फिर से बता दूँ ये देखो ये है आपका फिफ्टी सिक्स यानी कि छियासठ छियासठ माइनस करना है और आंसर आपको आना चाहिए इलेवन यानी ग्यारह आंसर ग्यारह आना चाहिए यहाँ पे संख्या नहीं दी हुई तो आप कैसे माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे तो हम ग्यारह माइनस मैं आपको जवाब है कि छियासठ है तो हम इसके लिए लिखेंगे छः और ग्यारह ग्यारह माइनस कर देंगे कितना बचेगा छः में से लेके आ जाओ हाँ छः में से लेके आ जाओ पाँच कितना आ गया यहाँ पे छप्पन फिफ्टी फाइव आ गया अब इसका डिब्बा खोला गया समझ में आ गया अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं करती तो आपको समझ ही नहीं आया इसलिए मैं बताने के लिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रही हूँ जब यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है और यहाँ पे घटा दी संख्या दी हुई है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी तो आप ये वाला को जब दोनों को अपने से घटा देंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा आप देखिए घटा दिया अगर हम जोड़ते हैं तो पाँच एक छः पाँच और एक छः हुआ अब ये आपका प्लस दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ पैंतालीस पैंतालीस है डिब्बा खाली है हमें छोड़ के टोटल निन्यानवे लाना है तो हम कैसे छोड़ेंगे यहाँ पे डिब्बा खाली है कुछ नहीं और हमको यहाँ पे निन्यानवे उत्तर आया है यानी ये है नाइन्टी नाइन
ये भी आपको अपने से लिखना है कि आपकी कितनी संख्या मिलेगी कि अंतर हमारा
ताकि आपको समझ में आ जाए।